किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना को जो आप? बहुत ही दुखित, बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। तो ये देखिए, सरकार का लाइन आर्डर पूरी तरह से फेल है। यूपी के बदायूं में कल यानी 19 मार्च की शाम को हुई दो बच्चों की हत्या से हड़कंप मच गया। चारों ओर इस मामले की चर्चा की जा रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो साजिद ने दो बच्चों की हत्या कर दी। एक तरफ बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी साजिद का घटना के 3 घंटे के अंदर ही एनकाउंटर कर दिया। वहीं जिन बच्चों की हत्या हुई है उनके पिता ने कहा कि साजिद से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। हालांकि इस घटना में नामित दूसरा आरोपी जावेद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसको लेकर पुलिस अब एक्शन मोड में है। दूसरी ओर बदायूं लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव इस मामले पर सरकार को घेरते नजर आए। उन्होंने सरकार के जीरो टॉलरेंस वाले दावे पर सवाल उठाया। किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना को जो आप? बहुत ही दुखित, बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। तो ये देखिए, सरकार का लाइन आर्डर पूरी तरह से फेल है। किस तरह ये पूरा जो घटना पूरा प्रकरण हुआ उसको लेकर के किस तरह से जो आप देखते हैं कि क्या ये एक जो कोई माहौल खराब करने की? देखिए, ये सरकार का जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं तो लाइन ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। नेताजी, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर के ध्वस्त होने की बात है तो कहीं ना कहीं बदायूं पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए 3 घंटे के अंदर उस जो आरोपी था साजिद उसको जो है एनकाउंटर में मार गिराया है, इस पूरी कार्रवाई को किस तरह से देखिए? जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन है इसको हम बधाई देते हैं, लेकिन पर्दाफाश भी तो होना चाहिए था। क्यों घटना ऐसी हुई है? पर्दाफाश होना चाहिए था। एक तो फरार है, एक एनकाउंटर हो गया है, एक फरार है, तो पर्दाफाश होना चाहिए। आपको बता दें कि यह घटना बदायूं के सिविल लाइन्स थाना इलाके की बावा कॉलोनी की है, जहां मंगलवार देर शाम साजिद नाम का शख्स अपनी दुकान के सामने वाले विनोद सिंह के घर आया। FIR के मुताबिक इस दौरान उसने विनोद सिंह की पत्नी से 5,000 रुपए मांगे थे। जब रुपए ले लिए तो उसने कहा कि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और छत पर चला गया, जहाँ दोनों बच्चे आयुष और आहान थे। उसने उन पर हमला कर दिया जिसमें उनकी मौत हो गई। हालांकि इस मामले के बाद सबके मन में यही सवाल है कि आखिर साजिद ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, आखिर क्या वजह थी कि जावेद को फरार होना पड़ा। बहरहाल पुलिस इस मामले को लेकर छानबीन कर रही है। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट।